फ्रेंड्स, फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के अंदर आज हम बॉयलर टॉपिक के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो बॉयलर क्या है, उसकी एप्लीकेशन कहां पे है, बॉयलर का अलग अलग क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जा सकता है, उस सबके बारे में इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप ये जो वीडियो है पूरा एंड तक देखिएगा। तो फर्स्ट बॉयलर को डिफाइन कैसे करते हैं। अ स्टीम बॉयलर और स्टीम जनरेटर इज अ क्लोज वेसल इन विच वाटर इज हीटेड वेपराइज एंड कन्वर्टेड इनटू स्टीम एट अ प्रेशर हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि क्लोज वेसल के अंदर हम पानी को हीट करते हैं, उसमें से उसको वेपराइज करते हैं, उसकी स्टीम क्रिएट होती है और उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हायर हो तो उस वेसल को हम बॉयलर बोल सकते हैं। अब आप लोग पूछोगे कि सर, हम हमारे घर में जो प्रेशर कुकर है उसके अंदर भी हम पानी को उबाल के हम उसमें से स्टीम क्रिएट कर सकते हैं, तो क्या इसको बॉयलर बोल सकते हैं? तो उसको बॉयलर का छोटा एक प्रोटोटाइप बोलना हो तो बोल सकते हैं, लेकिन वो एज पर द इंडियन बॉयलर रेगुलेशन IBR के मुताबिक उसको हम बॉयलर नहीं बोल सकते। तो इंडियन बॉयलर रेगुलेशन है, बॉयलर की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन दी हुई है, वो हम देखते हैं। बॉयलर मींस एनी क्लोज वेसल एक्सीड 22.75 लीटर्स कैपेसिटी, यानी 5 गैलन के आसपास उसकी कैपेसिटी हो, इन अ कैपेसिटी विच इज यूज्ड एक्सप्रेस फॉर जनरेटिंग स्टीम। उसकी इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए और उसका मकसद स्टीम प्रोड्यूस करने का होना। लेकिन दूसरी चीज कि उसके ऊपर उसका जो प्रेशर है वो सबको कंट्रोल करने के लिए उसके अंदर एक माउंटिंग जो है वो लगाया होना जरूरी हो, तब उसको हम बॉयलर बोल सकते हैं। वैसा इंडियन बॉयलर रेगुलेशन ने उसकी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन जारी की है। अब हम देखते हैं बॉयलर का यूज तो हमें सबको पता है, स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं, लेकिन वो स्टीम प्रोड्यूस करके करेगी क्या, हम वो स्टीम कहां पे यूज कर सकते हैं, हम उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। तो स्टीम की एक मेन एप्लीकेशन, पहले आप सबको पता है जो लोकोमोटिव इंजिन थे, अभी भी जो स्टीमर जो है उसमें हम स्टीम का यूज करके स्टीम से इंजिन चलाते हैं। पहले जो लोकोमोटिव इंजिन जो वो स्टीम से चलते थे, ओके, वो कोयला था, कोयला यूज करके हम, अभी जो डीजल आ गए हैं, डीजल इंजिन आ गए हैं, ओके, स्टीम का यूज हम लोकोमोटिव इंजिन एंड रेलवे इंजिन के अंदर भी हम कर सकते हैं। सेकंड, ऑपरेटिंग स्टीम टर्बाइन, जो स्टीम टर्बाइन जो है वो टर्बाइन को ऑपरेट करने के लिए भी हम स्टीम का यूज करते हैं। इन थर्मल पावर प्लांट, स्टीम की जो मेन एप्लीकेशन है दोस्तों, हम सब जो भी ये लाइट जो है जो आपके आसपास है, टॉरेंट पावर प्लांट ले लो, GE पावर प्लांट, जितने भी थर्मल पावर प्लांट है, वो सारे थर्मल पावर प्लांट में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने के पीछे स्टीम रिस्पॉन्सिबल है दोस्तों। तो उसमें जो स्टीम कैसे प्रोड्यूस हुआ, स्टीम प्रोड्यूस करते हैं और उसमें कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, उसके बारे में भी हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। इंडस्ट्रियल प्रोसेस वर्क इन केमिकल इंजीनियरिंग, देन फॉर प्रोड्यूसिंग हॉट वाटर रिक्वायर्ड टू बी सप्लाइड टू रूम इन वेरी कोल्ड एरिया। कुछ कोल्ड एरिया के अंदर, कुछ कंपनी के अंदर, कुछ इंडस्ट्रीज के अंदर भी हम उसके जो एरिया जो है उस एरिया को हीट करने के लिए या फिर वाटर, हॉट वाटर सप्लाई करने के लिए भी हम बॉयलर का यूज करते हैं। और द हीट कंटेंट ऑफ द स्टीम इज लार्ज एंड दस इट इज सुटेबल फॉर प्रोसेस हीटिंग इन मेनी इंडस्ट्रीज लाइक सुगरिंग इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल मिल्स, डेयरी इंडस्ट्रीज एंड ऑल्सो केमिकल इंडस्ट्रीज। तो दोस्तों इसके अलावा भी बहुत सारी स्टीम की एप्लीकेशन है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर भी ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उसको स्टरिलाइज करने के लिए भी हम उसको स्टीम से क्लीन करते हैं, तो उसके लिए भी हमें बॉयलर का यूज करना पड़ेगा क्योंकि स्टीम प्रोड्यूस करनी है। तो ये बहुत सारी एप्लीकेशन है स्टीम की। अब हम बात करते हैं बॉयलर के बारे में, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो फर्स्ट जो पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू रिलेटिव पैसेज ऑफ वाटर एंड हॉट गैसेस, उसके अकॉर्डिंग हम बॉयलर को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक वाटर ट्यूब बॉयलर और एक है फायर ट्यूब बॉयलर। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये फिगर में देखिए आप। ये फर्स्ट नंबर की जो फिगर है उसके अंदर उसकी जो ट्यूब है वो ट्यूब के अंदर क्या जाएगा, जो कोल्ड वाटर है वो पास होगा, जो फर्स्ट नंबर की फिगर में देखिए।
ट्यूब के अंदर वाटर पास होगा और वो ट्यूब के आसपास जो फ्लू गैसेज है, हॉट गैसेज है, वो पास हो गए और दोनों इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आएंगे और वाटर की स्टीम बनेगी। अगर ट्यूब के अंदर वाटर पास हो रहा है उसको हम बोलेंगे वाटर ट्यूब बॉयलर। इस सेकंड फिगर में देखिए, ये जो ट्यूब है उसके अंदर क्या फ्लो होता है, हॉट गैसेस यानी फ्लू गैसेस फ्लो होता है और वो ट्यूब के आसपास क्या होता है, वाटर होता है और वाटर इस ट्यूब के अंदर जो फ्लू गैसेज है उसके कॉन्टेक्ट में आता है तो हीट फ्लू गैसेज में से वाटर में हीट ट्रांसफर होती है और उस वाटर में से स्टीम क्रिएट होती है। तो इस ऐसे अरेंजमेंट है उसको बोलेंगे फायर ट्यूब बॉयलर, यानी ट्यूब के अंदर फायर होता है और ट्यूब के अंदर वाटर है तो उसको बोलेंगे वाटर ट्यूब बॉयलर। सेकंड टॉपिक पे जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ फर्नेस, तो फर्नेस की पोजीशन कहां पे उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट के अंदर, इंटरनली फायर और एक्सटर्नल फायर। इंटरनल फायर के अंदर क्या होता है दोस्तों, अब फर्स्ट फिगर में देखिए, जो बॉयलर के जो ड्रम है, बॉयलर का जो एक जो क्लोज वेसल है, उस क्लोज वेसल के अंदर ही बॉयलर के जो फर्नेस है वो अंदर इनबिल्ट होती है और उसके अंदर ही कंबशन होता है तो उसको बोलते हैं इंटरनली फायर बॉयलर। हमारा जो बाइक का इंजन, ऑटोमोबाइल इंजन, उसको भी इंटरनल कंबशन इंजन बोलते हैं क्योंकि पेट्रोल या डीजल का गैस का जो कंबशन होता है वो सिलेंडर के अंदर ही होता है। तो अगर इसके अंदर ही पूरा कंबशन है उसको बोलेंगे इंटरनली कंबशन यानी इंटरनली फायर बॉयलर। और अगर उसकी जो फर्नेस है उसकी पोजीशन ड्रम के बाहर हो और वहां से हमें उसको फ्लू गैसेस को अंदर सप्लाई करना पड़े, यानी फर्नेस बाहर की साइड लॉकेट हुए तो उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल फायर बॉयलर। आप डिटेल में देखोगे जब बॉयलर के बारे में डिस्कस करेंगे तब, कॉचरन बॉयलर में देखोगे तो वो इंटरनल फायर बॉयलर है, बैकपॉक विलकॉक्स बॉयलर जो है वो एक्सटर्नल फायर बॉयलर है। नेक्स्ट टॉपिक वो है अकॉर्डिंग टू यूज, हम बॉयलर का यूज कहां पे करते हैं, स्टेशनरी बॉयलर और मोबाइल बॉयलर। हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल को हम कहीं भी ले जा सकते हैं, दैट मींस अगर बॉयलर एक जगह से दूसरी जगह पर मूवेबल हो तो ऐसा बॉयलर हो तो उसको हम बोलेंगे मोबाइल बॉयलर। अगर बॉयलर को एक ही जगह पर फिक्स किया हो तो उसको बोलेंगे स्टेशनरी बॉयलर। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है अकॉर्डिंग टू वाटर सर्कुलेशन अरेंजमेंट, उसके अकॉर्डिंग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, नेचुरल सर्कुलेशन और फोर्स सर्कुलेशन। नेचुरल सर्कुलेशन यानी प्रेशर डिफरेंस की वजह से अगर वाटर सर्कुलेट होता हो, यानी मैं पानी की जो टैंक है वो ऊपर पानी, यानी मैं पानी की जो टैंक है वो हाइट पे होगी और वहां से ग्रेविटी की वजह से पानी फ्लो होगा और फिर स्टीम क्रिएट होगी। स्टीम आप सबको पता है उसकी डेंसिटी कम होती है और स्टीम ऊपर जाएगी। यानी अगर सर्कुलेशन ग्रेविटी का यूज करके यानी नेचुरल विदाउट मैकेनिकल डिवाइस से होता हो तो उसको हम बोलेंगे नेचुरल सर्कुलेशन। और वाटर का सर्कुलेशन करने के लिए हमें कोई मैकेनिकल डिवाइस यानी पंप वगैरह मोटर वगैरह लगाना पड़े तो उसको हम बोलेंगे फोर्स सर्कुलेशन। फिफ्थ टॉपिक है अकॉर्डिंग टू सोर्स ऑफ हीट, यानी बॉयलर को चलाने के लिए हम कौन से सोर्स का यूज करते हैं। फर्स्ट है अगर कॉल से चलता हो, कॉल यानी कोयला, अगर कॉल से चलता हो तो उसको हम बोलेंगे कॉल फायर बॉयलर। अगर ऑयल से वो चल रही हो फर्नेस तो उसको बोलेंगे ऑयल फायर बॉयलर। अगर गैस से चलता है तो गैस फायर बॉयलर। अगर इलेक्ट्रिसिटी से चलता है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकल हीटेड बॉयलर। और न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करेंगे उसको बोलेंगे न्यूक्लियर बॉयलर। और लास्ट में वेस्ट हीट का यूज करके हम अगर बॉयलर को चला दे तो उसको बोलेंगे वेस्ट हीट बॉयलर। और नेक्स्ट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू ड्राफ्ट सिस्टम, दोस्तों ये टॉपिक आपको समझना जरूरी है। ड्राफ्ट के हिसाब से उसके दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, नेचुरल ड्राफ्ट और आर्टिफिशियल ड्राफ्ट। लेकिन आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा सर ये ड्राफ्ट का मीनिंग क्या होगा। दोस्तों मैंने यहाँ पे एक बॉयलर की फिगर नहीं, एक कूलिंग टावर की फिगर है, लेकिन इसके इससे आपको ड्राफ्ट का मतलब पता चलेगा। तो ड्राफ्ट यानी आप सबको पता है बॉयलर के अंदर जो फर्नेस होती है ना, वो फर्नेस के अंदर हमें एयर सप्लाई करना पड़ता है। अगर एयर सप्लाई नहीं होगा, उसको एयर की क्वांटिटी नहीं मिलेगी तो फर्नेस में कंबशन प्रॉपर नहीं होगा। तो एयर सप्लाई करने के लिए हम दो अरेंजमेंट करते हैं, एक अगर उसके लिए नेचुरल ड्राफ्ट, वो एयर अंदर फर्नेस के अंदर कैसे आएगी, तो वो कैसे, एक तरीका है नेचुरल तरीका। उसमें क्या हो गया, आप पहली फिगर में देखिए, नीचे से एयर अंदर जाती है
और ऊपर जो है उसका जो शेप है वो हाइपरबोलिक शेप है, जिसकी वजह जैसे जैसे ऊपर जाएगी वहां पे उसका प्रेशर कम होता जाएगा, और ऊपर की साइड प्रेशर कम होगा हाइट पे और नीचे प्रेशर ज्यादा होगा अकॉर्डिंग टू उसका जो आउटलेट है वहां पे। तो दोनों का प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, तो जिसकी वजह से एयर को मुझे सप्लाई करने के लिए कोई मैकेनिकल फैन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक फ्लो होगी। तो ऐसे ही फर्नेस के अंदर फर्नेस का जो आउटलेट है वो हाइट पे, यानी चिमनी, फर्नेस के आउटलेट में चिमनी लगाई होती है, तो चिमनी हाइट पे होती है और हाइट पे उसके प्रेशर कम होता है, तो वहां प्रेशर कम है तो फर्नेस के इनलेट में प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर वहां से थोड़ा ज्यादा है, तो जिसकी वजह से क्या होगा वो एयर है वो नेचुरली हाई प्रेशर से लो प्रेशर की साइड फ्लो होगी। तो इस टाइप की जो अरेंजमेंट है उसको बोलेंगे नेचुरल ड्राफ्ट। और ये इस फिगर में देखिए, अगर मैं यहाँ पे फैन लगा, जैसे आप एग्जॉस्ट फैन के बारे में सुना है, एग्जॉस्ट फैन क्या करता है, अंदर की जो रूम है उसकी एयर को सक करके बाहर ले जाता है और दूसरी एयर से न्यू एयर अंदर आती है। तो इस तरीके से अगर बॉयलर के आउटलेट में, अगर फर्नेस जो है फर्नेस के आउटलेट में मैं कोई फैन लगाता हूं और वो क्या करता है अंदर की जो एयर उसको सक करके बाहर ले जाता है और बाहर की एयर अंदर आती है, तो अगर मैं मैकेनिकल डिवाइस मैकेनिकल फैन का यूज करके अगर मैं कोई भी ड्राफ्ट क्रिएट करता हूं तो उसको बोलते हैं हम आर्टिफिशियल ड्राफ्ट या मैकेनिकल ड्राफ्ट बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू एक्सिस ऑफ ड्रम। तो बॉयलर के अंदर वाटर के जो ड्रम है उसके अकॉर्डिंग उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक है हॉरिजॉन्टल बॉयलर और दूसरा है वर्टिकल बॉयलर। अगर उसकी सिंपल देखिए, बैकको विलकॉक्स में देखिएगा उसके जो बॉयलर का वाटर का ड्रम है वो हॉरिजॉन्टल होता है, उसके लिए हम हॉरिजॉन्टल बॉयलर बोलते हैं उसको। कॉशन बॉयलर देखिएगा उसके अंदर जो बॉयलर का जो ड्रम है वो कैसा होता है, वर्टिकल होता है, इसके लिए हम उसको बोलते हैं वर्टिकल बॉयलर। और नेक्स्ट और लास्ट जो है वह है अकॉर्डिंग टू वर्किंग प्रेशर, और वर्किंग प्रेशर के अकॉर्डिंग उसको भी लो प्रेशर, हाई, मीडियम प्रेशर और हाई प्रेशर के अंदर डिवाइड किया जा सकता है, यानी बॉयलर के प्रेशर के अकॉर्डिंग हम उसको अलग अलग कैटेगरी में उसको डिवाइड करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस टॉपिक के अंदर बस इतना ही, अगले वीडियो के अंदर मिलेंगे बॉयलर के बारे में डिटेल में, अलग अलग बॉयलर, अलग अलग माउंटिंग, अलग अलग एसेसरीज के बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।